ये पापा दाल सेक रहे हैं, ये मम्मा है हाथ धो रही है, ये जग है रोटी का छबड़ा, ये है मंदिर, ये फोन है, ये है मम्मी तारी है, ये है क्रेट जिसमें जिसमें लकड़ियां डालते हैं, ये है ये क्या ये तरतारा है जिसमें पानी सेकते हैं, यह कड़छी जिसमें दाल सेकते हैं, ये सबाती है, ये रीडिंग कर रही है, यह लाइट ये इससे लाइट बालते हैं ऐसे ऐसे कर देते तो नहीं होली, ये देखो नहीं होली। और जाता हूँ नीचे मेरे जूते देखो अच्छे सॉफ्ट नीचे जाते हैं, चलो 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 चलो। ये होता है घास, घास होता है जो बकरी खाते हैं, देखो सॉफ्ट सॉफ्ट घास। यह है चिंगेर जिसमें पिपलियां हैं, बहुत अच्छी पिपलियां हैं, देखो 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 ए ए ए ए अच्छी है अच्छी है। यह है लकड़ियां जिसे हम आग जलाते हैं, देखो देखो बहुत लकड़ियां हैं, बहुत लकड़ियां हैं, मेरे से लटकियां हो जा रही हैं। नीचे कुछ और है, ये देखो सेब, एप्पल एप्पल अच्छा एप्पल है, कांग्रा ये एप्पल है, ये भी अच्छा एप्पल है, देखो अच्छा एप्पल है जो खाने हैं। तो ये देखो ये देखो ये देखो सब कुछ दिख रहा है इसमें एप्पल, ये आलू आलू देखो आलू 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 अच्छा है, देखो ले रहता देखिए देखिए असली रहता, ये पत्थर पत्थर होते हैं, रेत होती है, यह होता है रहता। ये है मेरे हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट एंड दी बहुत अच्छे हाथ, हाँ मैं खुद को देख भी सकता हूँ, देखो मैं खुद को देख भी सकता हूँ, ये हूँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, देखो ये है रास्ते में सावधान होकर चलना, एक स्टेप गलत पड़ा तो पहले ये जो पौड़ी ये नहीं थी, ये जो पौड़ी पहले नहीं थी, तो ये बिल्कुल नहीं था सिंगल, एक एक फट्टा हुआ रखता था यहाँ पर ना, एक फट्टा हुआ रखता काफ़ी पहले, तो ये पौड़ी में नहीं थी, तो पुरानी पौड़ी जो है ये है, यहाँ से लोग करते थे ऐसे 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 ऊपर तक ऐसे ही थी, ये ऊपर जो ये कहना जंगल है यहाँ गाँव हुआ करता था, और पानी जो थे वहाँ से लेकर जाते थे नाला है, सिर पे पानी का घड़ा और फिर इस रास्ते से, तो पानी की कमी के कारण फिर
वो लोग जो है उस गांव को छोड़ गए, अब वो कांगड़ा में और अब घना जंगल हो गए। ये तीन तारे हैं यहाँ पर, पहले थ्री फेस लाइन हुआ करती थी सन 84 से, फिर 1994 तो फिर उसके बाद इन्होंने टू फेस कर दिया। आगे देखो दो ही वायर हैं, एक को निकालते गए और रिपेयर के लिए डालते गए, इस तरह ही ख़त्म हो गई एक वायर, इस तरह ही ख़त्म कर दी। पहले तो लुहरू बनाए होते थे ना, और जंगनी कट्ठी की होती थी, उसमें डालते रहना एक दो, और को कपड़े भी काले काले और आदमी भी काले। अब उसके बाद चल पड़े दिए मिट्टी के तेल कैरोसिन से, अब तो दूसरी टॉर्चें चल पड़ी है, मितवा वगैरह चार्ज वाली, तो सूर्य से उससे चल पड़ता है काम। तो क्या होना पर ऐसे करना पड़ता है ना, गुजारा टाइम पास करना पड़ता है ना। एक पीस का रखा था मैंने, ये इसको जलाना पड़ता है, ये जंगनू इसको जलाकर ऐसे रख लेंगे और इतना साल सवेरा हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं। फिर इससे जो धुआं है, काला धुआं नहीं है, इससे सुबह जब खांसेंगे तो बलगम में भी बिल्कुल काला बलगम निकलेगा, मुंह भी काले हो जाते हैं, नाक में भी इसका ही होता है वो कार्पनी। झाड़ू लगाने कोई भी कम ना हुंदा ना, नहरे मुश्किल मुश्किल, सोने के अलावा कोई काम नहीं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पता क्या, अंधेरे में 12-12, 13-13 बच्चे हो जाते थे क्योंकि उनको काम नहीं होता था, फिर खाली फैमिली बढ़ाते रहते थे, फ्री टाइम एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। पलाद के जैसे एक है इधर फैमिली, उसके 12 है, 12 बच्चे, बस इतनी सी इसमें इसको चार्ज नहीं किया गया आज, चार्ज नहीं किया आज इसको, दूसरी इनके चेहरे पे डालो दिखेगा फिर कितनी रोशनी है। बस ये फुल हो गई। अच्छा काफी हो गई, पर इसमें फिर
पूरे कमरे में रोशनी नहीं मिल सकती ना। नहीं हो जाती है, लगाओ इसको ऊपर लगा दो, इतनी की रोशनी है। हम्म, हो जाती है। खाना खुना खा सकते? अच्छा, ये जिंदगी थी, अब तो थोड़ा सुधार हो रहा है। वैसे तो वही लाइफ है आज भी हमारी, यहाँ पर गैस वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई वो दूसरा जो इलेक्ट्रिकल होते हैं, उतनी पुगत भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, तो फिर लाइट का भी बंदोबस्त ऐसे ही होता है। मॉर्निंग भाई। ये प्लग है, प्लग में बाल डाल दी, ये करंट यहां से होकर जाएगा सीधा बाल्टी में, हाथ तो लगा नहीं सकते इसमें क्योंकि इसमें भी करंट है। ये जो वायर है ये अंदर सीधा जाएगी, पानी गर्म हो गया, ये तड़का लग गया पानी को, पानी गर्म हो रहा है। तो जब ये टनल नहीं थी तब तक कैसे करते थे? तो उधर ऑन फुट, ये तो थोड़े दिन की सुविधा है, ये तो दो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने तक होगी, उसके बाद तो वही पुरानी रूटीन। सही कृपा इसमें तो लगा है चुनौता से ना लड़का राजमा है उसकी, कॉल भी कर दूंगा मैं। Ha ha ha!
ये जो पाइप है उससे पानी को ये जो पानी चल रहा है इसको वहाँ इस रास्ते से बंद करेंगे ये पाइप से होता हुआ आएगा और स्कोप के साथ अंदर जो पत्थर की एक चक्की है हाँ। उसको घुमाएगा और उसके आटा पीसते हैं उसको अंदर चले हाँ इसमें पानी की बूंद बुछार पड़ेगी ना हाँ तो ये ऐसे घूमेगा नीचे ये जो है नीचे इसको घुमाएगा ये ऊपर ऊपर आकर इसके साथ ये भील के साथ ऐसे लगा होता है इतनी सी लोहे की पट्टी होगी ना वो पट्टी इसमें ऐसे इसके नीचे ना ऐसे बना हुआ है उसमें फिट है उसको घुमाता है तो यहाँ डालते हैं गेहूँ कणक वगैरह वो यहाँ से निकलेगी और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जाती रहेगी और आटा पीस कर निकलता रहेगा यहाँ से इकट्ठा हो जाता है आटा जैसे ये है खुद बनाते हैं इसको भी कोई मशीनी नहीं है कोई खुद बनाए पत्थर से ना त्राश कर लो हो सकता है बिजली का आविष्कार भी इससे ही हुआ है जैसे ये घूमती है वैसे ट्रैवल घूमती है ना आविष्कार भी इससे हुआ है तो काफ़ी पुरानी है शायद आदि मानव कर लग गया कर लगना में हो रहा है पट्टू भरना पट्टू भरना लंदा ना सब अक्की ठार इन मेरे ख्याल खटे गए ना अरे ब्रो आलू ये ही है बस जो भी है सब सब नहीं मां आ गया ये लाइन ना बस की हो अरे ओड़ी चल के चल अरे चल चल तेरा
ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਕੱਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ 11 ਮੀਂਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੋ ਇਹ ਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਪੀ ਨਾ ਲੈ ਡੇ ਗਲਾਸ ਬਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀਤ ਲਗਾ ਅਬੇ ਆ ਗਾ ਬੇ ਆ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸੱਤ ਜੁਟ ਗਏ ਵਾਲੇ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇ ਰਾਸਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾ ਲੱਕੜੀ ਡਾਂਗਰੇ ਬਾਗ ਸਭ ਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾ ਬਸ ਅੱਬਾ ਕਰੇ ਗਾਥ ਤਾਂ ਗਾਥ ਤਰੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡੈਣੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇ ਜੜੀ ਇਹ ਛਾਲ ਪਏ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਰਹਤੇ ਬਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੇ ਘਾਟ ਹੋਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੀਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਸੇ ਕਰਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬਸ ਅਭੀ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਮੇ ਇੱਕ ਦੀਏ ਸੇ ਦੂਸਰਾ ਦੀਆ ਜਲਾਏਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਏਂਗੇ ਇਹ ਭਾਗ ਜਾਏਗੇ ਭਾਗ ਜਾਏਗੇ ਇਹ ਭਾਗ ਜਾਏਗੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਔਰ ਆਪ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬਸ ਇਸ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਈ ਚਿੰਦਾ अच्छा ये बर्फ में चलते हैं जूते बर्फ में जब बर्फ पड़ जाएगी तो ये पहनना पड़ता है अच्छा ये किस चीज के बने हैं बकरी की नहीं होती वो बकरी के बाल पहले काका घर कंदा हो ना ते दो तरीके साल हो ना कर उपनिषदों के विचारक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहते थे पहले मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है यज्ञ किया जीवन में क्या उपयोगिता होती है क्या उपयोगिता होती है जीवन मंडल से प्राणियों को भोजन प्राप्त होता है जीवन मंडल प्राणियों को आक्षी प्रदान करता है जिससे वह मकान आदि बनाने और वो चार बड़ी बैटरी से एक छोटी बैटरी चार्ज करोगे नहीं इससे तो मैं ये कन्वर्टर से मैं इस सोल्डर वायर को सोल्डर कर रहा हूँ यहाँ ये सोलर काम करता है बराबर से कौन सोलर हाँ हाँ देते नहीं ये भी खा जाएगा बैटरी दूसरी बैटरी को हाँ कर रहा है काम अब लेंस बंद करके भी ना अब कर रहा है काम और ये चार्जिंग
अच्छी हेलो क्या हाल फोरमैन साहब बढ़िया बढ़िया अरे लाइट आ कह रहा बेटा आता है मैं कौन है अरे ये लेंगे तो आ इंदे आई नहीं कौन है तड़ी कोई बेटा हां भाई बेटा रहा बेटा ये लाइट मत सारा भेज दे फिर तू फिरी ना आज फिरना रात के पे ना आज तक नया ग्राम पीछे पता एक टाइम टाइम ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਣ ਪਰਲਾ ਫਿਊਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਊਜ ਬਣੇ ਲੰਗੇ ਆ ਨਾ ਦੇ ਆ ਗਰੇ ਨਹੀਂ ਇਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਲੈ ਮਰ ਦਾ ਇਰ ਲੈ ਮੈਂ ਆ ਜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹਿਰਾ ਆਈ ਨਹਿਰਾ ਰੱਲ ਲੈ ਮਿਲਦਾ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਕੜੋਂ ਦੇ BSNL ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਲਾਈਟ ਆ ਗੂੰ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਗੰਦਾ ਆ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਇੰਜਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਫੂਲ ਗਏ ਫੂਲ ਹੈ ਇਧਰ ਸੇ ਕਮ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੇ ਤੋ ਆਜ ਬੋਲਤੇ ਪਹੁੰਚਤੇ ਘਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਲਤਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ रात को डालते नहीं है फ्यूज आज नहरा ही होना था फिर तार है एक टूट चुकी है वायर तारों का गुच्छा ये बर्फ में धस गया है ये तार टूट चुकी है पोल से ये तार टूट चुकी है बढ़िया भी बढ़िया ये तारें भी टूट चुकी है बर्फ में अब कम से कम 3 महीने के लिए लाइट बंद
ठीक है।